नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है स्टॉक ट्रिक्स में। मैं आपका प्यारा दोस्त संदीप आपके सामने एक बढ़िया वीडियो लेके। दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं सीएसबी बैंक के बारे में। दोस्तों सीएसबी जो बैंक है दोस्तों, क्या कैथोलिक सीरियन बैंक है दोस्तों, क्या हमें जिस तरह से प्रॉफिट दे रहा था, क्या आने वाले दिनों में उस तरह से प्रॉफिट दे सकता है क्या? क्या दोस्तों कैथोलिक सीरियन जो बैंक है, सीएसबी बैंक है, क्या दोस्तों जैसे उसने लिस्टिंग की थी धमाकेदार, जैसे प्रीमियम लिस्टिंग की थी, क्या अभी प्रीमियम हमें प्राइस दिखाने वाला है क्या? क्या दोस्तों अभी जो मार्केट 307 को टच करके आया, उसके बाद क्या ये मार्केट हाई मारेगा कि नहीं? बहुत सारी बातें दोस्तों जहन में आती होगी। दोस्तों ये सब बातें आपके साथ करेंगे और आपका जो ज्ञान है, प्रॉफिट है, उसका मोटिव है बनाने का, उसको हम बनाए रखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं उसके कुछ बातें जानने के लिए, जिसको आपका प्रॉफिट किस तरह से हो सके और या फिर आपका लॉस किस तरह से बच सके, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्तों जिस तरह से कैथोलिक सीरियन बैंक के बारे में बातें चल रही थी, क्या ये बैंक दौड़ेगा कि नहीं, या जैसे कि इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन आया था। देखिए दोस्तों, इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन आया था तो इसमें एक बात भी चल के आ रही थी कि ये भी जो बैंक है बहुत बड़ा बनेगा। मगर दोस्तों मैंने इस पे हमारे कुछ दोस्त हैं उनको पर्सनली कहा था कि इसमें हाथ मत डालना, क्योंकि ये जस्ट नोशनल प्रॉफिट है। देखिए दोस्तों, मैंने एक वीडियो में भी कहा था कि नोशनल प्रॉफिट क्या होता है, तो नोशनल प्रॉफिट के बारे में मैंने पहले बताया है। तो नोशनल प्रॉफिट के बारे में जो आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होगी तो आप निकाल सकते हैं, नहीं होगी तो आप जानेंगे। दोस्तों जिसे दोस्तों हम इल्यूजन कहते हैं, इल्यूजन क्रिएट किया जाता है कि ये बहुत ही बड़ा तगड़ा शेयर है, यहाँ से दौड़ लगाएगा। यहाँ पे इल्यूजन क्रिएट किया जाता है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए बनाने की कोशिश की जाती है। देखिए दोस्तों, अगर कोई कंपनी मार्केट में आती है तो पर्टिकुलर समय के लिए एक अपना रेंज दिखाएगी, फिर उसके बाद टूट जाएगी। दोस्तों वो ट्रैप होता है, ट्रैप में ट्रैप को आपको समझना है और सही तरह से मार्केट में इन्वेस्ट करना है। दोस्तों वैसे ही सीएसबी बैंक में हुआ है, बहुत सारे लोगों को बताया कि प्रीमियम लिस्टिंग है, शेयर आगे दौड़ेगा। जैसे कि दोस्तों आरआरसीटीसी में हुआ, ये प्रीमियम लिस्टिंग होगी दोस्तों, यहाँ से शेयर आगे बहुत दौड़ेगा, ऐसा बहुत सारे लोगों को लगा ये सीएसबी बैंक अभी दौड़ लगाएगा। मगर दोस्तों वैसे फिलहाल तो नहीं हो रहा। सबसे पहली बात हम करेंगे उसका आईपीओ के बारे में, किस तरह से आईपीओ आया, किस तरह से लिस्ट हुआ था। दोस्तों हम आईपीओ की इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, इशू ओपन था ना दोस्तों 22 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक था उसका। दोस्तों इशू का डेट देखिए, 22 नवंबर से लेकर 26 नवंबर का तक। दोस्तों उनका फ्रेश इशू अगर देखेंगे आप तो यहाँ देख सकते हैं उनका फ्रेश इशू, जो कि बहुत ही बढ़िया एक लॉट में दिया जाने वाला, एग्रीगेटिंग 24 करोड़ में था, जो कि बहुत ही बढ़िया था। दोस्तों अगर हम उसका इक्विटी प्राइस रेशियो देखेंगे, फेस वैल्यू दे सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 10 रुपीज़ था। उसके बाद थोड़ा देखेंगे दोस्तों, जो उनको इशू प्राइस था 193 से लेकिन 195 का था। दोस्तों उसका जो लॉट था, देखिए मार्केट लॉट 75 शेयर्स का था, आपको लेना है तो 75 का एक लॉट लेना पड़ेगा, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा 195 का। दोस्तों आपको लगभग कितना वहाँ पे करना पड़ेगा, वो सब बातें आपको मालूम हो सकती है। तो दोस्तों उसके बाद देखिए, थोड़ा सा आगे चलते, एक अगर लॉट खरीदते हैं तो लगभग आपको 14,625 रुपया वहाँ पे देना पड़ेगा। और यहाँ से मैक्सिमम अगर आपको मिलता है, आपके पास ज़्यादा पैसा तो आप मैक्सिमम इशू कर ले सकते थे, सब्सक्राइब कर सकते थे, मगर दोस्तों कितना 13 ही उसमें मैक्सिमम कर सकते थे। देखिए दोस्तों, 1,90,125 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट बन जाता था। मगर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि मार्केट में प्री इशू शेयर होल्डिंग था ना 50% का था, अगर पोस्ट इशू की बात की जाए दोस्तों 49.7%, मतलब लगभग 1% की जो बढ़ोतरी थी वो घट गई दोस्तों। तो ये बात आपको समझ में आई होगी दोस्तों कि इस शेयर में जो बातें दिखाई जा रही थी, कुछ अच्छी बातें थी मगर कुछ ऐसी बातें छुपी हुई थी जो कि यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि जो 1% के जो रेशो दिखाने का कोशिश कर रहा था पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग के बाद का, वो दोस्तों टोटली 1% लॉस। देखिए दोस्तों, 1% भी लॉस होना, मतलब आप सोच रहे होगे कि कितना परसेंटेज में, ये इतना बड़ा तो है ही नहीं, कितना परसेंटेज बड़ा है उतना सोच रहे होगे कि अब इतना बड़ा होगा। मगर दोस्तों एज अ शेयर के बारे में बात की जाए तो अगर 1 करोड़ में से 1% निकाल देते दोस्तों, वो लगभग कितना बन जाता है, तो दोस्तों आपको मालूम है उसमें कितना बन जाएगा, 10 लाख का या 1 लाख का बन जाएगा। दोस्तों इतना अचानक में
बिक वाली हुई होगी या फिर उसमें बाइंग नहीं आई होगी। तो ये दोस्तों आपको थोड़ा सा एक कैलकुलेट कैलकुलेटिव यहाँ पे थोड़ा सा आपको इल्यूजन क्रिएट हुआ होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा दोस्तों यहाँ पे, आप समझिए बात को थोड़ा सा। दोस्तों ये बात हो गई, तो हम चलते अभी उसकी कुछ बातें जानने के लिए, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ था। दोस्तों इन्वेस्टर पोर्शन कितना दिखा, QIB का 75% और ऑफर ENB का 15%, और टोटल कितने थे, 10% वो थे दोस्तों रिटेल। देखिए ओवरऑल देखा जाए तो 100% का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन था, मगर दोस्तों अचानक में इसमें बिकवाली क्यों आ रही है, सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों चलिए टेक्निकल चार्ट पे और जानेंगे बहुत सारी बातें, मगर दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे जाने से पहले आपको रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे नए होते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन बटन उसे ज़रूर दबाएं। दोस्तों अगर आपने अब तक दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपका और अपने दोस्तों का ज्ञान ज़रूर बढ़ाइए। दोस्तों हमारे टेक्निकल चार्ट पे देख रहे हैं दोस्तों, टेक्निकल चार्ट पे किस तरह से ये पैटर्न बना हुआ है, मार्केट पूरा ढह गया है दोस्तों यहाँ से ऊपरी लेवल से। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक बात समझ में आई होगी, इस शेयर में जिस तरह से हमें प्रीमियम प्राइस दिखा रहा है, दिखाया जा रहा था, PP दिखाया जा रहा था, प्रीमियम प्राइस दिखाया जा रहा था, लेकिन दोस्तों 195 का शेयर लिस्टिंग हो गया था लगभग कुछ 75 रुपीज़ के आसपास, वहाँ से मार्केट ने 307 रुपीज़ का एक हाई बनाया। उसके बाद दोस्तों आज लगभग देख सकते हैं मार्केट कितना ऑलरेडी डाउन हो चुका है। तो दोस्तों आपको एक बात पूरी तरह से समझ नहीं है कि ये जो मार्केट डाउन हो रहा है ना दोस्तों, उसके पीछे के रीज़न क्या हो सकते हैं। दोस्तों जैसे मैंने कहा कि नॉशनल प्रॉफिट होता है वो आपको एक इल्यूजन क्रिएट करता है, इल्यूजन आपको समझता होगा या नहीं है मुझे नहीं मालूम दोस्तों, इल्यूजन मतलब जो चीज़ें नहीं होती उसको दिखाई जाने की कोशिश की जाती है। वैसे ही कहा गया कि ये बैंक का सबसे बड़ा इनकम जो निकल के आता है दोस्तों सीरियन बैंक का, वो था गोल्ड पोर्शन। दोस्तों गोल्ड आपको मालूम है, गोल्ड के ऊपर ये कंपनी लोन देती है, गोल्ड के ऊपर जो लोन देती है उसके ऊपर इंटरेस्ट ज़्यादा कमाती है, जिसके कारण ये कंपनी जो CSB बैंक है ज़्यादा अच्छे से रन कर रहा है। मगर दोस्तों ये बात सही है, अगर ये कंपनी लोन लेके किसी को लोन देते तो बहुत ही बढ़िया बात है, मगर दोस्तों इसके पास और कोई सोर्सेस है क्या, तो कोऑपरेटिव जो लोन्स है दोस्तों वो नहीं है इसके पास देने का, ज़्यादा सोर्सेस नहीं है। फिर उसके पास जो कॉपोरेट लॉबी को जो कहा जाता है लोन दिया जाता है वो भी उस सिस्टम नहीं है, रिटेल लोन कम मायने में देती है। तो दोस्तों ये सब बातें इम्पैक्ट करती है किसी बैंक के ऊपर, तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है दोस्तों। जो रिटेल डिपॉजिट ज़्यादा रहेगा बैंक में तो बैंक के पास लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है और अपना यूज़ कर सकती है पैसा अदर इस वर्क के लिए या अदर एक्सपेंसेस के लिए। दोस्तों वैसा हैवी इनके पास रिटेल डिपॉजिट आता नहीं है। दूसरी बात तो फिर दोस्तों इनका जो जो सर्कुलेशन है वो ज़्यादा डिपेंड करता है गोल्ड पे। तो दोस्तों गोल्ड अगर शायद समझ लो सस्ता हो गया तो कंपनी की कमर बैठ सकती है, मतलब कमर टूट सकती है। तो दोस्तों आप इतना बात ध्यान में रखें कि अगर लोगों के पास सोना है तो लोग इसमें गिरवी मारेंगे, मगर दोस्तों सोने का भाव अगर एकदम नीचे चला गया तो क्या होगा दोस्तों, लोग सोना गिरवी नहीं मारेंगे। जब तक सोने का भाव ऊपर है लोग बाई करेंगे और उसे गिरवी मारने का सोचेंगे, मगर दोस्तों अगर आपके पास सोना बहुत है मगर उसका भाव मार्केट में नहीं है, दोस्तों लोग बाइंग के लिए जाते हैं गोल्ड बाय करने के लिए, ना कि उसको क्या करने के लिए, प्लेस करने के लिए जाते हैं। दोस्तों अभी गोल्ड का भाव ज़्यादा है तो ओके वेल एंड गुड है, जिसके कारण लोग यहाँ पे CSB बैंक के आपके पास उसको डिपॉजिट करके अपना लोन लेते होंगे। मगर दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी और थकाने वाली बात ये सामने आती है कि शेयर का जो ग्रोथ है दोस्तों, 195 का इश्यू प्राइस 307 रुपीज़ का इसका क्या है दोस्तों, हाई। तो लगभग यहाँ से आप देखेंगे ना दोस्तों तो आपको समझ में आएगा जो प्राइस लेवल हो कहाँ से कहाँ तक टूट चुका है। 100 रुपीज़ के ऊपर का जो लेवल था दोस्तों वो टूट चुका है, 100+ पॉइंट थे उसके ऊपर लेवल टूट चुका है इस शेयर का। दोस्तों आने वाले दिनों में इसका प्राइस लेवल क्या हो सकता है, दोस्तों मैं आपको निराश तो नहीं करना चाहूँगा मगर क्या करें दोस्तों, जो पैटर्न बन रहा है ना वो पैटर्न थोड़ा सा दिल को जख्म देके ज़रूर जाएगा। दोस्तों अभी अगर इस शेयर में आप बने हो तो प्लीज़ ट्राई कीजिए, अभी आप प्रॉफिट में होगे तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ इसमें से निकल जाइए, क्योंकि शेयर प्राइस इसका आने वाला है डाउन। दोस्तों डाउन मतलब क्या, अभी सर ये कैसा हो सकता है, देखिए दोस्तों अभी डाउनफॉल आने वाला है अभी भी मार्केट में, क्योंकि जो उसका जो एक्चुअल प्राइस कहा जाता है दोस्तों ग्रे मार्केट प्राइस कहा जाता है,
वो अभी भी दोस्तों इतना ऊपर नहीं है। तो ग्रे मार्केट प्राइस दोस्तों क्या है तो आपको बताते हैं दोस्तों, दिलताम की बेटी दोस्तों अभी उसका ग्रे प्राइस 135 रुपीज़ का है दोस्तों। आप सोच सकते हो 195 का जो शेयर नोशनल प्रॉफिट पे दिखाया जा रहा था, नोशनल लेवल पे दिखाया जा रहा था, इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा था दोस्तों, आपको वहाँ पे समझ गया होगा कि यहाँ पे आप सोच रहे होगा कि ये क्या हो गया दोस्तों। IRCTC छोड़ दिया तो कोई ऐसा बैंक नहीं है या फिर ऐसा कोई IPO नहीं रहा कि जो अपनी जो बढ़त है खोने खोया नहीं हो, सब IPO ने अपनी बढ़त खोई है। मगर दोस्तों IRCTC एक ऐसी कंपनी जो कि अभी प्रॉफिट देके अभी भी प्रॉफिट में ही बनी हुई है। तो दोस्तों आपका निर्णय आपके ध्यान में रखिए, आपका डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। मेरा काम है इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करना। बहुत सारे लोग बोलेंगे दोस्तों बेसलेस इन्फॉर्मेशन ऐसे बोल सकते हैं दोस्तों, जिनको बोलना है वो बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा काम है एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाना, सच्ची इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाना, क्योंकि दोस्तों आपका प्रॉफिट है ना कि आप बाद में पछताना चाहो। देखिए दोस्तों मार्केट में बढ़िया बढ़िया शेयर है, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि अभी यहाँ से मार्केट आपका एकदम ढह जाएगा या फिर यहाँ से मार्केट अचानक में चढ़ जाएगा दोस्तों। अचानक में जो चढ़ना उतरना होता है ना वो नहीं होना चाहिए मार्केट में। देखिए दोस्तों वैसे मार्केट में आप यहाँ पे देख रहे ये लेवल से मार्केट कहाँ उसका ग्रीन कैंडल दिख रहा है दोस्तों, एक भी पावरफुल ग्रीन कैंडल नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर 3 कैंडल की बात छोड़ दे कहीं पे भी ग्रीन कैंडल नहीं दिखेगा परफेक्ट। तो दोस्तों यहाँ से आपको एक कॉन्सोलिडेशन होने की ज़रूरत है, जो कि 135 का जो लेवल है दोस्तों वहाँ पे जाके कॉन्सोलिडेट होगा शेयर। 135-150 रुपीज़ का लेवल, 15 रुपये का जो भी रेंज है दोस्तों, बहुत दिन उस रेंज में ये शेयर रहेगा, जिसके कारण ये शेयर थोड़ा हेल्दी बन सकता है। थोड़ा हेल्दी बनने के बाद थोड़ा सा कॉन्सोलिडेशन देके थोड़ा ऊपर आने की मूव करेगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं आपका प्रॉफिट सही समय पे बने तो इसको अभी प्रॉफिट में होकर बेच दीजिए दोस्तों, कोई भी टेंशन नहीं होगा। मगर आपको दोस्तों ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप चाहते हैं इसको बाई करना तो आप बाई कर सकते हैं, सेल करना तो सेल कर सकते हैं दोस्तों, फाइनल डिसीजन आपके ऊपर डिपेंड होता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।